अम्बाला शहर के MDSD कॉलेज में आज सनातन धर्म आरोग्य केंद्र व जिम का शुभारंभ हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने किया। कॉलेज में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल का सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर असीम गोयल ने विधिवत रूप से फीता काट कर सनातन धर्म आरोग्य केंद्र व जिम का उद्घाटन किया। बता दें कि इस आरोग्य केंद्र में लोगों को बेहद किफायती दामों पर प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन व फिजियोथेरेपी के साथ साथ जिम की सुविधा भी मिलेगी। इस मौके पर असीम गोयल ने कहा कि सनातन धर्म सभा पहले शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य शहर में कर रहे थे, अब स्वास्थ्य और नेचुरोपैथी के नाते भी काम करेंगे। निश्चित रूप से लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं सभा के प्रधान ने बताया कि यह सुविधा आमजन को बेहद किफायती दामों पर मिलेगी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जो प्रकल्प है आज सनातन धर्म सभा अम्बाला शहर, जो पहले माना जाता था कि भाई स्कूल कॉलेज और वामन द्वाशी के मेलों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाते शहर के अंदर बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अब हेल्थ के नाते भी और एक नेचुरोपैथी के नाते मुझे लगता है कि पहले अम्बाला कैंट में जो सेंटर था SD इंस्टीट्यूट में, आज अम्बाला शहर के अंदर भी अपनी तरह का ये दूसरा इंस्टीट्यूट जो है शुरू हुआ है। निश्चित रूप से जिन लोगों को समस्याएं हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए एक नेचुरोपैथी के इन्होंने ट्रेनर भी जिस प्रकार से रखे हैं और डॉक्टर्स रखे हैं, एडवाइज़र रखे हैं और एक पूरा सेंटर जिस प्रकार से इन्होंने मैं कहूँगा सुसज्जित करके इसको चलाया है, निश्चित रूप से समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा जो है अम्बाला शहर के लोगों को होने जा रहा है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उसका उद्घाटन हुआ है, बहुत बहुत बधाई है। ये इंस्टीट्यूशन जो मतलब एजुकेशनल तक सीमित नहीं है, आज एक नया अध्याय इसमें जोड़ने जा रहे हैं और वो है हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर, नेचर क्योर सेंटर और सबसे बड़ी जिम, जो आजकल के बच्चे जो है जिम बड़ा इंजॉय भी करते हैं और ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड होगा, लेकिन यह कि बिल्कुल नॉमिनल रेट पे होगा। यहाँ पे हमने डॉक्टर भी अपॉइंट किया है और जिम ट्रेनर भी है, तो ये आज से इसकी विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हम इस पर मतलब डॉक्टर भी और जो भी जरूरत पड़ेगी हम इस पर रखेंगे।